स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम मेष राशि वालों के लिए बात करेंगे कि एरीज के लिए ये वीक कैसा चलेगा। 21 से लेके 28 अप्रैल के दिनों की हम बात करेंगे। मेरा ये राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है और चंद्रमा के गोचर के आधार पे है। उपायों की चर्चा मैं आखिरी में करूंगी, जो हर दिन का अलग अलग उपाय होगा नक्षत्रों के विचरण के आधार पे। तो शुरू करते हैं राशिफल। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री राम जय माता दी अवश्य ही लिखिए। तो मेष राशि वालों का ये जो चंद्रमा की स्टार्टिंग हो रही है, आपके कन्या राशि से सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, यानी कि छठे घर के अंदर आपके चंद्रमा चल रहा है। तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छठा घर होता है हमारे रोग ऋण और शत्रु का। और आपका जो राशि का स्वामी है मंगल, वो भी थोड़ा सा भी फंसे हुए स्थिति के अंदर है। इस कारण से आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आप सावधान रहें, नाक कान गले से संबंधित प्रॉब्लम भी आपके आ सकती है। मामा पक्ष से आपको अपने संबंध संभाल के चलने हैं। कब तक? 21, 22 और 23 की सुबह तक। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी आप अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो आपका खर्चा भी इस दौरान आपका ज़्यादा होगा। विशेष करके 22 तारीख को आप बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर सकते हैं। और आपके लिए ये स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं, ये इस टाइप के हैं कि आपका कोई अवसर जो आपके हाथ से निकल जाए, कोई आपको जिम्मेदारी मिलने वाली हो वर्क प्लेस पे, वो जिम्मेदारी आपको न मिले, तो इस टाइप का होगा। परंतु फिर भी 21 और 22 को आपके निर्णय तो सही चले जाएंगे, और आपके अंदर धार्मिक भावना रहेगी, कल्याण की भावना रहेगी। कर्ज आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु आपको सोचना यह है कि कर्ज लें या न लें। दुश्मनों के ऊपर आप अपना टाइम बिल्कुल भी व्यर्थ न करें स्टार्टिंग के 3 दिन, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2 दिन तो विशेष ध्यान रखें, 3रे दिन तो 9 बजे तक ये टाइम थोड़ा सा नकारात्मक, परंतु फिर आपका ये टाइम अच्छा होएगा, चंद्रमा आ जाएंगे आपके तुला राशि के अंदर। तो तुला राशि पे जैसे ही चंद्रमा आएंगे तो आपको परिवार से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें आप भागीदारी आपकी रहेगी, यानी कि घर में कुछ कार्य बनेंगे, कुछ रुके हुए कार्य भी बन सकते हैं, कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, सभी का माध्यम आप होंगे। तो कुल मिला के देखें तो 21-22 तो आपके थोड़ी सी नकारात्मक है, परंतु 23, 24 और 25 ये तारीखें आप पूरी तरह से परिवार को देंगे, आर्थिक उन्नति भी होगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, कुछ भाग्य का भी आपको इस समय साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना के चलें, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर रह सकती है। 26 और 27 तारीख और 28 तारीख, इसमें से 26 और 27 की जो बात करें तो इस समय आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। हालांकि नीच का चंद्रमा है, परंतु फिर भी आपके लिए ठीक है, अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होगी। आपको क्या ध्यान रखना है 26-27 को, क्योंकि अष्टम घर में आपके चंद्रमा आ रहा है, इसलिए आपके स्वास्थ्य का आपको विशेष परेशानी या कुछ दिक्कत आ सकती है। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें स्वास्थ्य का। अचानक से धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हो रही है, ससुराल से संबंध सामान्य बना के चलें, और अपने अगर आपके घर में दादा दादी हैं तो उनसे आप संबंध संभाल के चलें, वहां से आपको फायदा मिल सकता है। इस पूरे सप्ताह की अगर बात करें रिश्तों के हिसाब से, तो परिवार की स्थितियां थोड़ी सी मंगलकार्य तो होंगे, अच्छी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, परंतु यात्राएं आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, लंबी दूरी की यात्रा में आपका सामान गुम हो जाए, आपको कोई परेशानी आ जाए, यात्रा में वाहन आप सावधानी से नहीं चला पाए, इस तरह की घटनाएं आपकी हो रही है, तो यात्रा सावधानी से करें। हालांकि स्थान परिवर्तन का योग इसमें बना हुआ है, स्थान परिवर्तन करके आप अपने किसी रिश्तेदार के ही घर जा रहे हैं, तो अपने वार्तालाप में थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको मन के अनुकूल परिणाम कम प्राप्त हो ऐसी संभावना बनी हुई है। परिजनों के साथ आपको विरोध को टाल के चलना चाहिए पूरे सप्ताह। जीवन साथी के साथ मतभेद रहेगा, परंतु व्यापार में आपकी ग्रोथ थोड़ी बहुत हो सकती है, हालांकि आपके मन के हिसाब से इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लव एंड रिलेशनशिप में भी अनबन चल रही है, परिवार में थोड़ी सी आपको परिवार में रहते हुए भी परिवार की चिंता रहेगी, अपनी संतान की भी चिंता रहेगी। हालांकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके सरकारी काम गुरु और सूर्य बना देंगे, उच्च के सूर्य चल रहे हैं जो आपको फायदा तो दे देंगे कैरियर के अंदर, नौकरी के अंदर, कॉम्पिटिशन के अंदर और स्टडी के अंदर, ये एक अच्छी बात है। आपको अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयां छूने के लिए भगवान गणेश की आराधना अवश्य करनी चाहिए। 24 तारीख का दिन आपके लिए विशेष होने वाला है, क्योंकि शुक्र देव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो
तो 24 तारीख से आपके जीवन में करीब करीब 20-25 दिन के लिए आनंददायक स्थितियां का निर्माण होएगा, लस्ट होएगा, आनंद होएगा, इंजॉयमेंट होएगा और आप धन को भी संचित कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही शुक्र आपकी राशि में आएंगे आपको सभी चीजों का सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। संतान का भी सुख प्राप्त होएगा और धन का भी सुख प्राप्त होएगा। आपको उपाय क्या करना है, अभी इन चीजों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 21 तारीख की बात करें, 21 तारीख को त्रयोदशी है, भगवान शिव का दिन है, प्रदोष है, तो इस दिन आप एक काम उपाय अवश्य ही करें। महीने में एक या दो बार ये दिन मिलते हैं जो भी उपाय करने पड़ते हैं। आप 2 दीपक लीजिए और शाम को 6 बजे के बाद एक दीपक भगवान शिव के मंदिर में, एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाएं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसलिए अपने 21 तारीख के दिन की शुरुआत सूर्य आराधना से करें, क्योंकि ये नक्षत्र के देवता है। इन्हें प्रणाम करने के बाद ही आपका पूरा दिन आपके अनुकूल बीतेगा। 22 तारीख को चतुर्दशी है और हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है, इसलिए आप अपनी माता का सम्मान करें, भगवान शिव के ऊपर दूध और जल अवश्य ही चढ़ाएं। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम चंद्रमसे नमः का जाप करें, अपने घर के अंदर अपनी माता का सम्मान करें। 23 तारीख को पूर्णिमा है, हनुमान जयंती भी है, इस दिन चित्रा नक्षत्र भी है और ये चित्रा नक्षत्र मंगल का है और मंगल के देवता है हनुमान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 23 तारीख को। जिनको जमीन जायदाद का सुख नहीं मिल पा रहा है उनको भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के 3 पाठ लगातार एक स्थान पर बैठ के करें या मंदिर में करें, आपको इससे संबंधित लाभ अवश्य ही होगा। 24 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, तुला का चंद्रमा है, आपके सप्तम घर में चल रहा है, परंतु 24 तारीख का दिन राहु के नक्षत्र का है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना करें। शुक्र आपके जीवन में इस दिन प्रवेश कर रहे हैं, तो आप शुक्र का स्वागत करने के लिए माँ लक्ष्मी के लक्ष्मी चालीसा का जाप करें। 25 तारीख को चंद्रमा चलेंगे विशाखा नक्षत्र में जो कि गुरु का है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही अपने दिन की शुरुआत करें, बहुत अधिक फायदा आपको मिलने वाला है। 26 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है, चंद्रमा रहेंगे नीच का, इसलिए दिन हनुमान चालीसा करें। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम है, शनिचराय नमः का मोबाइल के अंदर अवश्य ही जाप आप सुने। 27 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जो कि बुध का नक्षत्र है, इस दिन भी चंद्रमा नीच के रहेंगे, भगवान बुध के मंत्रों का जाप, गणेश आराधना, गणेश को धुआं चढ़ाना, गाय को चारा देना, गाय की सेवा करना। जरूरी नहीं है आप गाय को चारा देंगे जब भी वो खुश होगी, गाय के शरीर पे हाथ फेरने से भी वो बहुत अधिक प्रसन्न होती है, चारा देने से भी ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसी गाय मिले जिसको आप छू सकते हैं तो ये उपाय अवश्य ही करें। साथ ही साथ बुध ग्रह राजकुमार ग्रह है, इसलिए राजकुमार ग्रह को नमस्कार करके ही अगर आपने दिन शुरुआत किया तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि राजकुमार पल में खुश पल में रुष्ट, राजकुमार का स्वभाव ऐसा ही है। पल में तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कुछ चीज़ मिलने पे, नहीं मिली तो फट से रूस भी जाते हैं। इसी तरह का आपका स्वभाव न रहे, आप में धीरता गंभीरता आए, इसलिए भगवान गणेश की बुद्धि का यूज़ करने के लिए भगवान गणेश की आराधना अवश्य ही करें। तुलसी को जल देना भी इस दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 28 तारीख को मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र केतु का है, तो जड़ों की ओर आप जाएं। मूल का मतलब होता है जड़, तो हमारी जड़ें क्या है, हम अपने पिता पूर्वजों का सम्मान करें तभी हमको सफलता मिलेगी। तो इन उपायों को करें, क्योंकि ये उपाय जो नक्षत्रों के आधार पर होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं। कारगर किस टाइप से होते हैं, आपके घर पे कोई आए और आपको प्रणाम न करके आस पड़ोस के सभी व्यक्तियों को प्रणाम करें तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबको प्रणाम कर लिया और आपकी इज्जत नहीं करी। तो इसी प्रकार से जो नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा है उसको प्रणाम सबसे पहले कर लें, आपका दिन बन जाएगा। इन उपायों को समझें करें, आपके जीवन की